How are you? Hope all of you are fine and safe at your home and preparing for your exam. Students, today we will start our lesson number 10, The Beggar, which is written by Anton Chekhov. Students, in this chapter, where a beggar, Lushkov, he is a beggar, how he changes his ways. उसने अपने जो तरीके थे वो किस क्या कारण था जिससे कौन सी बात से उसने अपने जो तरीके हैं वो चेंज किए. सो वी फाइंड दैट थिंग वाइल रीडिंग द लेसन. नाउ टुडे आई समराइज द चैप्टर टू यू. सो ऑल ऑफ यू हैव टू लिसन इट केयरफुली. स्टूडेंट्स, अ बेगर नेम्ड लश्कोव वन डे केम टू द हाउस ऑफ सर्गेई एन एडवोकेट. The beggar told him that he was feeling dead hungry and had no penny for a lodging. He told a lie that he was a school teacher but was made to quit the job. He was shabbily dressed. He also told a lie that he had recently got a job in the province of Kaluga. He told not to join duty because he had no money to reach there. The beggar had also met the advocate 2 days back. Then he had told him that he had been a student but was expelled. The advocate threatened to hand him over to the police. Then he told the truth that he was a singer in a Russian choir. He was, however, kicked out for his drunkenness. The advocate got convinced that the beggar would die of hunger. If he stuck to speaking the truth, he gave the beggar the work of wood chopping once a month under the care of his cook who scolded him. Now, once he hired him for helping in packing and hauling furniture, however, he felt sorry and ashamed for setting a spoiled, drunken and sickly person to work as menial laborer in the cold. Now, the advocate recommended the beggar to his friend to do copying work. After 2 years, the beggar began to work as a notary. His tattered clothes and oversized shoes were replaced by his curly fur coat and a seal skin cap. The beggar was highly grateful to Sergei's cook. She used to chop wood for him and passed sarcastic remarks on him. As a result, he left drinking. She was his reformer and savior. So all the credit goes to Sergei's cook, which Lushkov thankful to Sergei's cook. So students, here this is the chapter about a beggar whose life is changed in certain moment. Jab यहाँ पर इस लेसन में बताया गया है, इस कहानी में, कि एक लश्कोव नाम का एक बेगर रहता है. तो वो एक बार एक एडवोकेट जो सर्गेई है वो एडवोकेट है उसके घर पहुँचता है और उससे बोलता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं मुझे कुछ दे दीजिए खाने के लिए. तो यहाँ पर बोला कि मैं इस स्कूल एक स्कूल है, मैं वहाँ पर 8 साल तक टीचर रह चुका हूँ, लेकिन मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है. कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे थे मेरे खिलाफ, उनके झूठे आरोपों का मैं शिकारी बन गया हूँ. तो अब मेरे पास 1 साल से कोई भी काम नहीं है. तो सर्गेई नाम का जो वकील है वो भिखारी को देखता है और उसके गालों पे बने हुए धब्बे, तो उसको ये समझ में आता कि इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है, क्योंकि जो लश्कोव था उससे 2 दिन पहले ही एक बार सर्गेई की मुलाकात हो चुकी थी. जिस समय उस समय उसने ये झूठ बोला था कि मैं कलुगा में नौकरी करता हूँ और मेरे पास रुपए नहीं है, तो और मुझे मांगने में शर्म आती है और परिस्थितियों ने मुझे के कारण मुझे मांगना पड़ रहा है. इस तरह से वो बहाना बनाता है. फिर जो सर्गेई, उसकी नजर उस के
जूतों पर पड़ती है, जिसमें से एक ऊंचा रहता है और दूसरा नीचे। फिर उसको अचानक से याद आ जाता है कि इसको तो मैं मिल चुका हूं पहले भी, जिसने बताया था कि मैं स्कूल में पढ़ता हूं और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। तो इस तरह से वो सरगेई को पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो सरगेई को गुस्सा आता है, बोलता है कि मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगा, तुम बहुत बेईमानी करते हो। तो फिर उसने बोला कि सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं झूठ बोल रहा था, मैं ना ही विद्यार्थी हूँ, मैं ना ही स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं टीचर हूँ, मैं ये सब मनगढ़ंत बातें बता रहा था। मैं एक रूसी जो चॉयर्स होता है वहां पर मैं गाना गाता था, लेकिन जो शराब पीने के कारण मुझे वहां से निकाल दिया गया है। तो बोले ठीक है, अब बोले तुम लेकिन कर क्या सकते हो, तो कोई काम हो तो मैं उसको बता दूं। तो बोला कि अगर कोई काम मिल जाए तो मैं कर लूंगा। तो सरगेई उसको बताता है कि तुम लकड़ियां काटना अगर पसंद करो तो काट लो। तो बोले कि लकड़ी काटना के लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे अब आजकल मेरे को जो बहुत निपुण है लकड़ी काटने में उनको भी काम नहीं मिल रहा है। तब वो बोलता है कि अगर तुम लकड़ियां काटोगे तो बोला कि अगर लकड़ियां काटोगे तो बोला हाँ काट लूंगा मैं, सब करूंगा। बोला चलो ठीक है, थोड़े समय में जान जाएंगे कि तुम। अब सरगेई जो है वो आगे जाता है अपने रसोई में, अपने कुक को बुलाता है कि ओलगा इसको लकड़ियां काटने वाले स्थान पर ले जाओ, लकड़ियां काटने को दो। अब तो सरगेई ने किस तरह से लश्कोफ का हृदय परिवर्तन किया, और जो उसकी कुक थी ओलगा उसने किस तरह से उसकी लकड़ी काटने में मदद की और उसने फिर अपनी लाइफ को चेंज किया। सो ऑल दीज थिंग्स यू गेट वाइल रीडिंग दिस लेसन। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड दिस लेसन एंड ट्राई टू अंडरस्टूड इट।